उनका नाम ही नहीं है, क्योंकि बुराते में माता की विभिन्न होती, चाहे इमाम हो, मुख्तरी हो या जिला। जो मैंने उसी को बता दिया बोले मैंने जो जवाब दावा लिखा है, अहल सुन्नत वल जमा उलमाए देवबंद के नजदीक मुक्तदी को इमाम के पीछे चुप रहना चाहिए, इमाम के पीछे किरार करना नहीं चाहिए, वो मजमून सुनमानी। इस चीज को मैंने कुरान और सुन्नत से मुदल करके बयान, मेरा दावा बिल्कुल आपके दावे के बराबर है। मेरा दावा यह है कि मुक्तदी हो, इमाम हो, अकेला हो, फातिहा फर्ज है। आपने आप बराए मेहरबानी इमाम के लिए भी और अकेले के भी लिए और मुक्तदी के लिए भी जो आपका चीज है उसको हिसाब वो दावा वादे ले। मौलाना बुल्ला साहब ने जो अपना दावा लिख के दिया है मुझे, उसमें लफ्ज ये लिखे हुए हैं इमाम के लिए भी, मुक्तदी के लिए भी, अकेले के लिए, ये तमाम के लिए इन्होंने लिखा है कि फातिहा पढ़ना जरूरी। ये चूंकि दावा है मौलाना बुल्ला साहब का, इस दावा के बारे में थोड़ी सी बात जो मैं वजाहत के तौर पे कराना चाहता हूँ वो ये है कि इमाम तो हमारे नज़दीक भी फातिहा पढ़ा करता है, अकेला आदमी भी फातिहा पढ़ा करता है। असल इख्तिलाफ इनका और हमारा इस बात में है कि आया इमाम के पीछे मुक्तदी जो है उसको फातिहा पढ़नी चाहिए या नहीं, उसको चुप रहना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस सिलसिला में मैंने वो मुक्तदी के लिए लिख दिया कि मुक्तदी चुप रहे। अब असल जो इख्तलाफ मनशा निजा और मनशा इख्तलाफ है मौलाना अब्दुल्ला साहब के मसलक का और मेरे मसलक का, वो ये है कि मुक्तदी के लिए ये कहते हैं फातिहा पढ़नी जरूरी है, जब तक न पढ़े तो नमाज नहीं होती। हम कहते हैं कि मुक्तदी को चुप रहना जरूरी है, उसको पढ़ना नहीं चाहिए, चुप रहे तभी उसकी नमाज हो जाएगी। मेरा ख्याल यह है कि आप ये बात आपका बात शुरू करेंगे बता जो मर्जी करें, लेकिन आप जब समझते हैं कि इमाम में कोई इख्तलाफ नहीं तो अकेले के लिए कोई इख्तलाफ नहीं, तो जहां लिख दें कि इमाम अगर फातिहा ना पढ़े मैंने तो कितनी वजाहत के साथ कह दिया। नहीं वजाहत मैंने साफ लफ्ज लिख दिया है मुक्तदी के लिए। हजरत मैं कहता हूँ कि मुक्तदी के लिए मैंने कहा है, मैंने मुझे नहीं पता, मैंने इमाम का नाम पे लिखा है, मैंने अकेले का नाम पे लिखा है, मैंने मुक्तदी का नाम पे लिखा है, या मैंने उसके कर्म से इमाम का भी नाम लिखा है, मुक्तदी का भी नाम लिखा है, अकेले का नाम लिखा है। आप जरा जोर तो करें अपने कागज पे कि चाहे इमाम हो, मुक्तदी हो, अकेला हो, बगैर फातिहा के नमाज होती है या नहीं होती, या तकसीर करके बाद में नोट कर दें कि हाँ मुक्तदी की नहीं होती। बात को बाहर फरमाइए। मैंने तो बात देखे कितनी तकसीर करके बाद तकसीर नहीं बुला फरमाए मैंने जब आपके सबको लिख के दे दिया मुक्तदी, तो इसका मतलब यह है मेरा और आपका झगड़ा इस बात में है कि मुक्तदी ने पढ़ना है या नहीं पढ़ना। क्योंकि आप हजरात की तरफ से ये जो हमारी तरफ से कहा जाता है कि नहीं पढ़नी चाहिए या आपकी तरफ से कहा जाता है पढ़ी जाए, असल इख्तलाफ जो हमारा और आपका चलता है, यही वजह है कि जब भी मसला कोई आता है
वो तहकीक उल कलाम वगैरह या बाकी खैर नहीं मुनाजरा शुरू नहीं होगा। आप अभी अपने बात आप दलाल पेश ना करें, हम नहीं बात कर रहे हैं, हम नहीं बात कर रहे हैं, हम दावा पेश कर बात देखो कोई बात नहीं, बात दावे की हो गया, दावा आपने फरमा दिया जुबान पे जाकर, जुबानी आपने फरमा दिया कि इमाम के लिए फातिहा जरूरी है, अकेले के लिए फातिहा जरूरी है, मुक्तदी के लिए नहीं। आप मेहरबानी फरमा कर लिख दें कि अगर इमाम फातिहा ना पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होगी, अकेला भी ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होगी, तो अगर जो मुक्तदी है वो ना पढ़े तो नमाज हो जाएगी। क्यों नहीं मजाक करते? अब तो थोड़ी सी मेरी सुने सुने दादा का आदर लिखते क्यों नहीं? ओहो जल्दबाजी लगने सब कुछ नहीं है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, जल्दबाजी से आपका हमने दो लफ्ज का दावा ये दावा लेकिन तुम मजाक है ये क्या तुम बात पर बोले का बात नहीं ये अभी बोल रहा नहीं मैं तो नहीं कर रही और मैं ये दीजिए जो है सुभान अल्लाह हो रही है कई फिर बात जरा बढ़े मेरा कहने का मतलब बोल रहा है बड़ा अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं कोई बात नहीं बाकी है हमारे बात अब इन दोनों की दोबारा को कवर करेंगे आज दावा लिखना पड़ेगा मैंने इमाम के लिए लेके भेजा है, मुक्तदी के लिए भी लेके भेजा है और अकेले की भी लेके भेजा है, आप झूठ क्यों निकल लिखने की? मैं अब जरा थोड़ी सी सुनेंगे देखो मैं इत्मीनान से सुनता हूँ आप मेहरबानी करके मेरी बात जरा इत्मीनान मैंने साफ वाजे तौर पर कह दिया है कि इमाम हमारे नजदीक भी पढ़ता है, हम कहते हैं पढ़नी चाहिए, मैं कर रहा हूँ ठहरे तो सही ये जल्दबाजी करते हैं ना थोड़ी सी आप जल्दबाजी अब इमाम के लिए तो हम भी कहते हैं कि पढ़नी चाहिए उसको, इसी तरह मुक्तदी क्या नाम अकेला जो है उसके लिए भी हम कहते हैं कि उसको पढ़नी चाहिए, इख्तलाफ सिर्फ मेरा और आपका है मुक्तदी के लिए, इसलिए आपका और मेरा सारे झगड़े का दारोमदार इस कुरान और सुन्नत की हैसियत से इस मसले के एतबार से जो मेरा और आपका तनाज़ो और झगड़े का दारोमदार होगा वो सारा होगा मुक्तदी के लिए, इमाम के लिए तो हम भी कहते हैं बात है छोटी बात है हमें आप ज्यादा कुछ करते हैं बात है मैं जल्दी बात नहीं कर रहा ना बाला, दावा, दावा, दावा। मैं यही कर रहा हूँ ना अब इमाम के लिए मैं जो कह रहा हूँ मैंने साफ जब आपने इमाम मुक्तदी तमाम की बात की मैंने सिर्फ मुक्तदी की बात नहीं की क्यों लिखी है मकसद मेरा समझाने का यह है हमारा आपके साथ इख्तलाफ सिर्फ मुक्तदी में है, इमाम तो हमारा भी पढ़ता है इख्तलाफ नहीं आता मुझे पूरी आपका पूरी मुझे आप दें।